trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record, yeah. For the record, yeah. For the record. सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि अगर तुम घर के लड़के हो और तुम ही हो तो शिफ्टिंग के कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। अगर आप वो ग्राउंड रूल्स फॉलो करेंगे मेरे पाथ पे तो क्या पता आपकी शिफ्टिंग पहले से बहुत ही स्मूथ हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर, तो रूल नंबर 1, भाई अपने चार, भाई अपने स्टार। फ़ोन रखने से पहले मेरे सारे घर के बाहर अपने लॉन्डो को बुलाओ, उनसे बोलो कि भाई साहब ये शिफ्टिंग करो। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1 कि भाई साहब शिफ्टिंग करनी है, घर में दावत नहीं है हमारे, सही है। जल्दी जल्दी शिफ्टिंग कराओ, फिर शिफ्टिंग करके भूल जाओ, सामान पकड़ के झूल जाओ। ये इनको शिफ्टिंग के लिए बुलाया था, शिफ्टिंग चल रही है, पहले खाना होगा फिर कोई काम होगा। मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ मैं, तो रायता चेक कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग में डिसाइड ये किया कि जो भी भारी सामान है वो सारा हमारे जो शरोज़ आई हुई है उसमें डाल कर ले जाएंगे। तो जो कीमती सामान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी अम्मी ने, तो हम लोगों को 2 LCD ले जानी है और 2 शीशे ले जाने हैं जो कि कीमती हैं, ठीक है। और अपने कमरे का सामान ले जाना है, सेल्फिश प्लान। तो मैंने इरफान को बुला लिया, इरफान आएगा तो फिर हम जाएंगे। इरफान आ गया है और कैमरा भी साथ लाया। अभी तो आएगा, दोबारा आएगा, अभी तो उतर के भरम से आएगा। 120 FPS। हमारे कारकुनों ने बहुत मेहनत की है, इरफान भाई ने बिल्कुल मेहनत नहीं की है, जैसे आपको देख सकते हैं ब्लॉग में सच्चाई दिखाते हैं हम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनके लिए पानी लेने के लिए, यूटर्न मार। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं और, फिर जा रहे हैं पानी लेने के लिए और उसके बाद फिर हम आप स्टे ट्यून। काम 25 चलाओ, 5 स्टार चाहिए नहीं चाहिए? खुशी, ये प्यार है। मेरे घर की शिफ्टिंग दिखाओ हमारी, मेरे घर के बराबर शिफ्ट हो रही है। हाँ, क्या लाए हो? सब ले आया, आ जाओ, पानी पिला दो, आ जाओ। रूल नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, कभी भी 2 दोस्तों को साथ मत बुलाओ। ना 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 ना, अलग अलग करता हूँ, सही है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर ये साथ आ गए तो शिफ्टिंग तो होगी नहीं, बातें हो जाएंगी। जो 2 सामान उठाकर ज़िंदगी भर का एहसान जिताने वाले हैं ये वो भी नहीं जिताएंगे। तो मेरे जिगर के लेकिन टुकड़े तो हैं, तो काम तो कराना है लेकिन अलग है, ताकि आपका काम भी हो जाए और शिफ्टिंग भी हो जाए और दोस्ती भी कायम रहे, ठीक है। सो रूल नंबर 3 इज़ डे 2 शिफ्टिंग गोज़ ऑन। यस मुनीब। हेलो फ्रॉम दी अदर साइड, शिफ्टिंग का डे 2 है। मेरे साथ ताउन किया है फवाद, इनको लगता है फवाद खान से मिलते हैं। प्लीज़ कमेंट बिलो कि इनको लगता है जॉन्डिस वाले फवाद खान है हमारे साथ। और हम लोग जा रहे हैं मुनीब के घर, मुनीब को लेने के लिए, क्योंकि देखो हर गैदरिंग में एक लड़का होता है मोटा, बुरी बात, हर गैदरिंग में लड़का होता है जानदार जो शिफ्टिंग कराता है। तो मुनीब भाई हमारे साथ करेंगे हमारी शिफ्टिंग। आधी तो हो गई है लेकिन फिर भी जितना सामान उठा सकते हैं उतना तो हम फ़ायदा उठवाएंगे ना, क्या बोलती पब्लिक। अभी आप कह सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स शिफ्टिंग करा लो, बाहर आ जाओ, बाहर खड़े हैं क्या? मैं आता हूं अभी, बहुत कुछ आगे पीछे मैं आ रहा हूं। मुझे तुम्हारा आगे पीछे समझ नहीं आया। आओ जल्दी आओ। ओ भाई, ये घर पे रख कर आया करो सामान अगर किसी को पिक करने आया। यार वो सो ही नहीं, यार हम पे गुस्सा निकालोगे भाई। मैंने नहीं, वो सो ही नहीं तो हम पे गुस्सा निकालोगे। सुना था मैं, आपने सुनाने दिया नहीं भाई। डब्बे में डब्बा चुप गया। Never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. अबे चुप कर लीजिए पीछे। उस तरफ है। अबे बोरी भगा इसको भगा। पड़ गई यार। वो इसमें झूल रही है, बताना नहीं किसी को, नहीं बताना। नंबर 4, अगर आप घर के बेटे और आपकी एक बड़ी बहन और एक अम्मी है, द मोस्ट डेंजरस रूल जिससे आपने गुजरना है। ये समझो एक गेम की बला, अगर आपने ये पार कर दी तो आप जीत गए। अगर ये ऑन और उसमें एटेक्स लगी हुए, भाई हमने ड्रॉप कर दी, हमें नहीं चाहिए, हम QBG से खेल लेंगे। तो सीन ये है कि एक तरफ अम्मी होती है और एक तरफ मेरी बहन होती है। बहन रहती है दुबई में, हम जाते हैं कोई भी सामान लेने के लिए। सामान लेना बहुत आसान है, जहाँ तक मैं कर सकता मैंने किया। सामान लाना था, हम ले आए पकड़ के। सामान को फिट करना था, हमने कर लिया, ये एसी फिट हुआ, वॉशिंग मशीन फिट हुई, माइक्रोवेव फिट हुआ, चेक कर लिया अम्मी, सब कुछ डन है। उसके बाद आती है डेकोरेशन कि बेटा पेंट कौन सा कराना है, बेटा लैम्प कौन सा लाना है, बेटा आगे कोई लकड़ी का कोई सामान लेना हो कौन सा लेना है उसमें। फिर उसके बाद जब हम लेने जाते हैं तो अम्मी बोलती हैं कि ये कभी नहीं बोलेंगी कि ये अच्छा ये बुरा है, ये ले लो ये नहीं, ये बोलती हैं कि देख लो अच्छा लगे तो ले लो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ले लो। जब मैं घर आता हूँ और मैं अपनी बहनों को रात में वीडियो कॉल करता हूँ कि गाइज हमने ये सामान लिया है, ये कितना अच्छा लग रहा है ये सोफ़ा, तो मेरी बहनें कहती हैं ये तो बहुत घटिया लग रहा है, तुम्हारी तो सोच ही बहुत घटिया है, तुम्हारी घटिया वही सोच है गोला गंडे वाली, पेंग नाड़े में जामनी शलवार वाली। तो फिर उसके बाद पीछे से अम्मी की आवाज़ आती है कि मैंने तो पहले से ही मना किया था, लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है, मैंने तो वो बोला था ये बोला था, इसके बीच में आप पिस जाते हो और इसके बीच में पिसा हूँ, तो इसका कोई हल अभी नहीं है, इसकी वैक्सीन हम तैयार कर रहे हैं, निकलेगी तो हम हर बेटे को एक टीका लगा देंगे, लेकिन नहीं निकलेगी मुझे लग रहा है जब तक आपकी एक बड़ी बहन घर में और एक माँ की केमिस्ट्री आपसे ज़्यादा अच्छी यस। तो उसमें मैंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया, कर रहा हूँ अभी तक। लेकिन उसके बाद फिर अब आप आए थे अपने कमरे में, मेरा आखिरी बॉक्स था, मैं सब शिफ्टिंग अपनी कर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ये बोलें कि मेरा नया घर आपको मुबारक हो। तो आखिरी बॉक्स पर मैंने अपनी आप लोगों के साथ मैं आखिरी बॉक्स अपना अनबॉक्स करूँ तो ना मतलब हमारा भी तो थोड़ा अपनापन लगता है, तो उसके लिए मैंने आखिरी बॉक्स रखा है। तो वो हमारी शिफ्टिंग होगी, बारिश भी हो गई थी, तो एक माहौल ही बन गया। पूछा इतना काम कर रहे हो, खाना खाया पानी पिया है सिंगल में, पूछा किसी ने नहीं, सोफे लाए कि नहीं, कमेंट आएंगे कि पेंट कहाँ से करवाया, वुड कब बनेगा, घर तो दिखाओ। बस पसीना आ रहा है भाई साहब, पसीना, मेहनत का पसीना। कुछ नहीं करो, बैठ के एसी में टांगे लंबी कर कर भाई का ब्लॉग देखो और अब ना करें मेहनत मजदूरी। ये सिल्वर बटन भी निकला है मेरा, मैंने इसको आज तक यूट्यूब पर डाला नहीं, कोई तुरम खान वाली बात नहीं है क्योंकि इसकी औकात नहीं है हमारे कंटेंट के सामने, यूट्यूब को औकात पे रखते हैं। लेकिन एक सीन तो बनता है बॉस, एक सीन 1 लाख सब्सक्राइबर में ये सीन बनता है। दुनिया वालों तुमने आज तक मेरी इज्जत नहीं की, ये देखो हमजा जा रहा है, ये देखो हमजा आ रहा है, आ रहा है। आज उसी हमजा का सिल्वर बटन आया है 1 लाख सब्सक्राइबर। गाना गाऊंगा भाई जब, इस बात पे तो मैं एक गाना गाऊंगा, गाना 50 रुपये का उसकी रेटिंग के खुशी है भाई, क्या बांटूंगी तुमसे, जाऊँ नहीं मैं जाऊँ नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जाऊँ यहाँ से। कर लिया अगर हमने अपने बॉलीवुड शॉप पूरे तो शिफ्टिंग करते हैं, हमारा आखिरी बॉक्स है, फिर हम सुकून। फिर ये एकरा यूनिवर्सिटी में गया था, एकरा यूनिवर्सिटी जैसे स्पीकर टैक्स निकला, क्या निकला फ्रेंड्स गाइस, मेरा नाम रोमांटिक्स माहौल, बेसिकली मोहब्बत करते हैं लोग मुझसे। एंड ये है बॉक्स फिनिश, अंदर लेटर पड़ा हुआ मैंने दिखा रहा हूँ कि कोई अनबॉक्सिंग नहीं हो रही है। इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। इसकी स्टोरी ये है कि जब मैं एविएशन में था, तो जब भी हम मैं एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नीशियन था, जब भी हम लोग CFM 56 इंजन का नाम है एयरबस का, जब हम काम करने जाते थे उसमें, तो मैं ये टूल बॉक्स मिल जाता है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टूल बॉक्स, और इसकी वाइब ये थी कि मुझे लोग इसको देख के MM करें, माचो मैकेनिक मेरा नाम था। MM हमजा किधर है, MM हमजा किधर है, जहाज कौन ठीक करेगा, दिस इज मेमोरी। ये उठाते हुए हम आपको आखिरी बात बताते हैं कि हम लोगों ने शिफ्टिंग की क्यों है भाई साहब। हम लोगों ने शिफ्टिंग की इसलिए है क्योंकि मैं हम लोग पहले UAE में पूरी फैमिली शिफ्ट थी, वो रिसेंटली यहाँ पर आई, और यहाँ पर आने के बाद सितंबर में मेरी अम्मी आई, मेरे भाई की पढ़ाई की वजह से, और अब दिसंबर में मैं आ गया, आती है मैं लाहौर इस्लाम में चली। फिर जब वापसी आया तो किसी ने चिमगार उठा ली, अब चिमगार उठा ली तो कोरोना आ गया, हमारी शिफ्टिंग डिले हो गई। फिर मैंने कि भाई शिफ्टिंग तो 2021 तक चलेगी, तो हम लोग को तो शिफ्ट होना इम्पॉर्टेंट है, रिस्क लेना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए, घर से इधर शिफ्ट होने के लिए बिकॉज वी केम बैक 6 साल से दुबई में, तो आप वापस आ गए और मैं परमानेंटली वापस आ गया। सो दिस इज़ माई रूम, जिसको मैंने रिसेंटली पेंट कराया, तो मैं आप स्टूडियो बना रहा हूँ इस रूम को, और मैं दूसरे रूम में रहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं बैठ के चिलिंग के लिए, या फिर बेसिकली मैं आज शिफ्ट हो जाऊँ डिसाइड नहीं किया, बट दिस इज स्टूडियो बेडरूम। हम ये कचरा पट्टी तो नहीं लगाएंगे इसमें, सिल्वर बटन और ये वो, हम उसके औकात नहीं है, हम यूट्यूब को औकात में रखते हैं, लेकिन कोई अच्छे फ्रेम्स वगैरह लगाएंगे। स्केचेस जो मेरे फैन ने मेरे भेजे हैं बहुत सारे पड़े हैं, मैं सोचा उसको फ्रेम करके बनाऊँगा। और ये सीन है, इसके साथ मैंने बहुत सारा बोर्डिंग का सामान मंगाया है। बोर्डिंग का सामान की प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेस प्राइस और मोर काम, मतलब मैंने बोला है कि काम करो ऐसा जिसमें कम लगे पैसा। तो उसके लिए थैंक यू सो मच यारी देने के लिए मुझे इरफान, शरीफा बाजी और मुनीब और मेरी बहनों ने मुझे आइडिया दिया कि भाई तुम गोल्डन बनवाओ, कोई हैबिट वैबिट जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी हैबिट नहीं है हमारे पास। तो ये सीन है, तो टिकाऊ और अच्छा काम करना है। उसके मैं प्राइस आपको अपने जो इंस्टाग्राम है इसमें मैं बता दूँगा, और आप उससे वाबस्ता होते रहिएगा। और थोड़ा बहुत मुझसे भी रैंडम ब्लॉग जब आते रहेंगे, मैं फाइनली करीब भी हो गया हूँ, तो VBFF ऑल्सो हैप्पीनेस यू नो एंड काम 25 है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। शिफ्टिंग करने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं की जाती शिफ्टिंग के बहुत सारे लोग बुला लिए और हम आपका फ्रिज उतार रहे हैं और कुछ पता नहीं है कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। एक तरीका होता है, एक डिस्कशन होती है, भले आपको समझना है लेकिन है तो